हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बता रहा था। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, जिसमें क्या है कि हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दे दी जाती है। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम होगी, सबसे कम होगी, सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो नॉन प्रीएम्प्टिव और एक प्रीएम्प्टिव। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉन प्रीएम्प्टिव में भी और प्रीएम्प्टिव में भी। दोनों में डिफ्रेंशिएट है, दोनों में मतलब डिफेंस है। वो डिफेंस हम क्लियर करेंगे आगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो फिलहाल ये जो मेरा वीडियो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में है, और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव का केस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मेरी हेल्प करोगे, आप मेरी सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को शेयर करके, तो मैं भी आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाता रहूँगा। मैं आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना डालूँगा, चाहे आप KVS का एग्ज़ाम देना, चाहे NVS का एग्ज़ाम देना, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम देना, HTET का एग्ज़ाम देना, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देना, PTET का एग्ज़ाम देना, जो मर्जी एग्ज़ाम देना आप, चाहे आप UGC नेट की तैयारी करना, गेट की तैयारी करना, हर एक के लिए आपके लिए वीडियो बना डालूँगा। लेकिन आपको भी मेरा काम करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, अपने ग्रुप में सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, अपनी क्लास के अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है ये, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इन द नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस आर शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी नंबर असाइन टू देम। इसमें क्या है, हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर दे दिया जाता है, उस प्रायोरिटी नंबर के बेस पे आपके प्रोसेसेस शेड्यूल्ड किए जाते हैं। जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैंने किसी प्रोसेस को 1 नंबर दिया है और किसी दूसरे प्रोसेस को मैंने 5 नंबर दिया है, तो 1 नंबर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जितना कम नंबर होगा उतनी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो जिसको मैंने प्रायोरिटी नंबर 1 दिया उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बजाय कि जिसको मैंने 5 नंबर दिया उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी, कम होगी। मतलब वंस द प्रोसेस गेट्स शेड्यूल्ड इट विल रन टिल द कम्प्लीशन। क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या है कि जिस प्रोसेस को रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जो प्रोसेस शेड्यूल हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोसेस अपना पूरा एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करता है, बीच में प्रीएम्प्ट नहीं होता। नॉन प्रीएम्प्शन में ही होता है, जबकि प्रीएम्प्शन में क्या है, वो बीच में रुक जाता है वो प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, बेशक आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उस टाइम पे किसी दूसरे प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर भी वो प्रोसेस अपना पूरा टाइम कंप्लीट करेगा, ठीक है। जनरली द लोअर द प्रायोरिटी नंबर द हायर इज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। मैंने भी आपको बताया भी है, अगर हम किसी का प्रायोरिटी नंबर लोअर है तो इसका मतलब है उसकी प्रायोरिटी जो है वो हायर है। मतलब मैंने किसी को नंबर 1 दे रखा है तो उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, और किसी को नंबर मैंने 5 दिया है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस है, 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P5, और मैंने इनका अराइवल टाइम दिया हुआ है। अराइवल टाइम का मतलब है वो टाइम जिस पे ये आपकी मेमोरी के अंदर रेडी क्यू में आ जाते हैं। तो P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम है 2, P2 का अराइवल टाइम है 5, P3 का अराइवल टाइम है 1, P4 का अराइवल टाइम है 0 और P5 का अराइवल टाइम है 4। इनका बर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, जो कि एग्जीक्यूशन टाइम होता है, जो ये एग्जीक्यूशन करने में टाइम लेंगे। जैसे P1 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में 6 सेकंड लगेंगे, P2 को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगेंगे, P3 को 8, P4 को 3 एंड P5 को 4। ऐसे ही स्टूडेंट मैंने इनके प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखा है। P1 का प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाता है 2 नंबर है, P2 का 1 है। इधर इनमें देखा जाता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, P2 की, और P2 के बाद प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, P1 की, फिर उसके बाद नंबर आता है P4 का, फिर P5 का, और लास्ट में P3 का। क्योंकि जितना कम नंबर होगा उतनी प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो हमें यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया,
मैंने अपनी टेबल बना ली, मैंने यहाँ पे प्रोसेसेस को एज इट इज़ रहने दिया, अराइवल टाइम को एज इट इज़ रहने दिया, बस टाइम को एज इट इज़ रहने दिया। थोड़ा सा क्योंकि टेबल छोटी हो गई है तो आपके करेक्टर हिल गए होंगे थोड़े से, पर आप देख लो टेबल को आसानी से समझ में आ रही है। फिर मैंने इनका प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया जो कि दे रखा है हमें ऑलरेडी। इसके अलावा मैंने 3 कॉलम इंसर्ट किए हैं, कंप्लीशन टाइम के लिए, टर्न अराउंड टाइम के लिए और वेटिंग टाइम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे मैंने गैंट चार्ट इसके लिए डिज़ाइन कर दिया जिसमें मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग P4 विल एग्जीक्यूट फॉर इट्स कंप्लीट टाइम, क्योंकि P4 का जो अराइवल टाइम है 0 है, तो ये मैंने आपको बताया ही है क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है। जिस प्रोसेस को पहले रिसोर्सेज एलोकेट होंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो P4 का टाइम 0 था तो P4 सबसे पहले आया, सबसे पहले इसको रिसोर्सेज एलोकेट होंगे तो ये अपना पूरा टाइम लेगा, बीच में प्रीएम्प्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसको 3 सेकंड, क्योंकि इसका बस टाइम 3 है तो ये 3 सेकंड पूरे लेगा। नो देयर आर टू प्रोसेसेस, जैसे ही ये 3 सेकंड पूरे ले लेता है तो आप देखते हो कि उस टाइम पे P3 और P1 भी आपके मेमोरी में आ जाएंगे। तो नाउ देयर आर टू प्रोसेसेस अवेलेबल, P3 एंड P1। नाउ P1 विल एग्जीक्यूट फॉर इट्स 6 सेकंड्स बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी। तो स्टूडेंट्स पहले तो P4 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि P4 का जो अराइवल टाइम था 0 था, सबसे पहले रिसोर्सेज को एलोकेट हुए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया P4, इसका स्टार्टिंग टाइम लिख दिया 0 और इसका एंड टाइम मैंने लिख दिया 3। और उसके बाद वो कह रहा है कि अब जैसे ये 3 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं तो हमारे पास P3 और P1 भी मेमोरी में आ चुके हैं, लेकिन अगर इनकी प्रायोरिटी को चेक किया जाए तो P1 की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि P1 की प्रायोरिटी क्या है 2 और P3 की प्रायोरिटी क्या है 5 है, दोनों में लोएस्ट कौन सा है 2 है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो P1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो P4 के बाद नेक्स्ट मेरा एग्जीक्यूट होगा P1, और क्योंकि नॉन प्रीएम्प्शन है तो ये भी अपना पूरा टाइम लेगा। तो P1 मैंने लिख दिया देखो गैंट चार्ट में, और मैंने लिख दिया 9 क्योंकि इसको इसका बर्स्ट टाइम था 6, तो 3 + 6 = 9। P1 अपने पूरे 6 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और हम तक हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है 9। और जब तक हमारा 9 टाइम कंप्लीट हुआ तो आपके सारे प्रोसेसेस ही मेमोरी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन P4 और P1 हमारे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये पूरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास बचा कौन कौन सा, P2, P3 एंड P5, ठीक है। अब अगर देखा जाए P2, P3 और P5 में तो प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो P2 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, P2 की प्रायोरिटी 1 है जबकि P3 की प्रायोरिटी 5 है और P5 की प्रायोरिटी 4 है। तो P2 एग्जीक्यूट होगा अपने पूरे 2 सेकंड के लिए क्योंकि 2 सेकंड का इसका बर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो क्यों, और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी भी है, तो P2 एग्जीक्यूट होता है 2 सेकंड के लिए, तो 9 + 2 = 11, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 2 प्रोसेस बचे, P3 और P5। P3 और P5 में देखा जाए तो प्रायोरिटी देखा जाए तो P5 की प्रायोरिटी यहाँ पे 4 दी हुई है और P3 की प्रायोरिटी 5 दी हुई है, जबकि हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होगी P5 की, क्योंकि प्रायोरिटी नंबर 4 है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से P4 पहले आएगा, मतलब इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है, P3 को कम है, तो P5 पहले एग्जीक्यूट होगा अपने पूरे टाइम के लिए। तो P5 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है, तो ये 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 11 + 4 = 15। अब P3 रह गया सिर्फ, और P3 अब एग्जीक्यूट होना है, और P3 का बर्स्ट टाइम है 8, तो P3 अपने पूरे 8 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 15 + 8 = 23। तो इस तरीके से मेरे पास गैंट चार्ट कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास कंप्लीशन टाइम निकल आया है। इस कंप्लीशन टाइम को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जैसे P1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे क्या था 9, मैंने लिख लिया। P2 का कंप्लीशन टाइम था 11, वो मैंने लिख लिया। P3 का कंप्लीशन टाइम आया था 23, वो मैंने लिख लिया। P4 का कंप्लीशन टाइम आया था 3, वो मैंने P4 का कंप्लीशन टाइम आया था 3, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और P5 का कंप्लीशन टाइम आया था 15, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। मैंने आपको बताया था गैंट चार्ट में हम राइट से स्टार्ट करेंगे, देखना ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट से ही स्टार्ट करेंगे मोस्टली। हालांकि नॉन प्रीएम्प्शन में इतनी दिक्कत नहीं आती, प्रीएम्प्शन में ज़्यादा दिक्कत रहती है इस टाइप की, तो फिर भी हम राइट से देखना ही स्टार्ट करेंगे गैंट चार्ट में, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम मेरे पास आ चुके हैं, अब मुझे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैंने, TAT = CT - AT, मतलब कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, और मैंने ये कर रखा है। तो 9 - 2 = 7, 11 - 5 = 6, 23 - 1 = 22, 3 - 0 = 3, 15 - 4 = 11।
इसी तरीके से मुझे वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दूंगा, तो टीएटी में से मुझे बीटी माइनस करना है, टीएटी मेरे पास निकला आ चुका है, तो बीटी मुझे इसमें से माइनस करना है, तो 7-6 इज इक्वल टू 1, 6-2 इज इक्वल टू 4, 22-8 इज इक्वल टू 14, 3-3 इज इक्वल टू 0, 11-4 इज इक्वल टू 7। अब एवरेज मेरा, अब मैं टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं जितने भी मेरे पास टर्न अराउंड टाइम्स हैं सारे प्रोसेसेस के, मैं इनको सम कर लूँगा और 5 से डिवाइड कर दूँगा। तो ये आ गया 7+6+22+3+11, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 9.8। इसी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो 1+4+14+0+7 इसको सम किया और 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5.2। इस तरीके से स्टूडेंट्स मेरे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आ चुका है और एवरेज वेटिंग टाइम भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।